हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो. सो दिस इज़ द डे 10 न्यूमेरिकल ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज. सो द प्रॉब्लम इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज. सो यहाँ पे गिवन है किसी भी ट्राइंगल का साइड, मतलब तीन साइड गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है. तो इट्स ऑब्वियस दैट कि जिस साइड की वैल्यू बड़ी होगी उसका सामने का एंगल बड़ा होगा. दैट इज़ अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें ये सी, ये ए और ये बी, यहाँ पे ये एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल बी हो जाएगा. तो अगर हम इसको कंसीडर करें 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो तीनों एंगल से बड़ा होगा, यानी कि एंगल सी विल बी ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल ए. तो अभी हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर तीनों साइड दिए हुए हों तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है. तो बेसिकली जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, या कह लें यहाँ पे सी है, ये 90 डिग्री है, ये ए है और ये बी है, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा दैट इज़ एंगल सी, वो 90 डिग्री होगा और हमारा ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा. इसके अलावा अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और हमारा तीन साइड गिवन है, तो सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा ट्रायंगल जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा. यानी कि एक एंगल जो है उस ट्रायंगल का 190 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा. यानी कि एंगल सी विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल सी जो होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा. नेक्स्ट है सी स्क्वायर विच इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन द ट्रायंगल इज़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. यानी कि एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा. जो सबसे बड़ा एंगल यानी कि एंगल सी हमने कंसिडर किया तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 7 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 49 एंड 5 स्क्वायर विच इज़ 25 एंड 3 स्क्वायर विच इज़ 9. तो 49 विच इज़ ग्रेटर देन 25 प्लस 9, दैट इज़ 49 इज़ ग्रेटर देन 34. यानी कि जो हमारा ट्राइंगल होगा वो ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल होगा. यानी कि उसका जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा. अब हमें तो ये पता चल गया कि वो ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि जो इसका सबसे बड़ा एंगल होगा 120 डिग्री होगा. अगर ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्टियूस वैल्यू है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं. अब अगर दो वैल्यू होते तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना होता. उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि सी जो है हमारा सबसे बड़ी साइड है. सपोज़ हमने सी को सबसे बड़ी साइड मान लिया जिसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, बी को 3 सेंटीमीटर और ए को हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें तीन साइड गिवन है, तो हम कोसाइन फार्मूला से एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यानी कि कॉस सी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड विच इज डिवाइडेड बाई 2ab. तो यहाँ पे हम कॉस सी की वैल्यू हो जाएगा. अगर हमें कॉस बी की वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए फार्मूला होगा कॉस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाई 2ac. और लास्ट हमारा कॉस ए जो होगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाई 2b इंटू सी. तो यहाँ से हम
कॉस सी कॉस बी या कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए हमें मिल जाएगा। तो हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो कॉस सी विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यहाँ ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स 25 प्लस बी स्क्वायर विच मीन्स 9 माइनस सी स्क्वायर विच मीन्स 49 एंड विच इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 3, 34 माइनस 49 विच इज डिवाइडेड बाई 30। सो कॉस सी की वैल्यू जो होगी, कॉस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस 15/30, सो दैट विल बी माइनस हाफ, सो एंगल सी विल बी 120 डिग्री। तो हमारा इसी तरीके से एंगल बी और एंगल ए आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में लार्जेस्ट एंगल पूछा था, तो उसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जब सी स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, और जब सी स्क्वायर विच इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। उसके अलावा कॉस सी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी, दैट इज़ 120 डिग्री करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ एक्स परसेंट ऑफ एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू 2% ऑफ एक्स वाई, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई। तो यहाँ पे गिवन है एक्स परसेंटेज ऑफ एक्स, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस वाई परसेंटेज ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू 2% ऑफ एक्स वाई। सो ये गिवन है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, विच मीन्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्स परसेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल हो जाएगा कन्वर्ट 1/100 में, और ऑफ का सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ये दे देगा एक्स स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल्स टू 2xy विच इज़ डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2xy, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज़ इक्वल्स टू 0, या एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला हो जाएगा होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0, और वाई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई को 0 कहें या एक्स वाई माइनस एक्स को, दोनों इक्वल्स टू 0 के हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, या कह सकते हैं वाई विच इज़ डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, परसेंटेज जो होगा इसकी वैल्यू होगी 1/100 परसेंटेज। तो इसका आंसर जो होगा वो 100% होगा, क्योंकि वाई और एक्स दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100%। सो आंसर 100%, विच मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो आप इसी तरीके से डेली क्विज़ में पार्टिसिपेट करते रहिए। सो वीडियो अब डेली आएंगे, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।